अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं तो अभी फ़िलहाल रात के कुछ 10 बज रहे हैं और टीवी में हम देख रहे हैं सूर्यवंशम पिक्चर। और ये आपके भाई हैं 150 बार पिक्चर देखने के बाद भी आज इनको आज भी मूवी के वो इमोशनल शॉट है ना, उसका मम्मी दाल क्या कहते हैं, दूध भात खाती है, मीठी भात, तो रोती है ना, तो इनको रोना आ गया और ये मुझे पकड़ के रखे थे ताकि मैं आंसू ना देखूं इनका। तो आप बता सकते हो कैसा फील हुआ आपको? और झूठ मत बोलना। अस्सलाम वालेकुम। फील क्या, मुझे मतलब हो जाता है थोड़ा लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है, कुछ भी सैड मूवी कुछ भी देखता हूँ ना मैं, इनकी टंकी फूल होती है तो लीकेज हो जाती है इनकी, मुझे आ जाता है। तो ये मुझे, मैं इसकी मुंडी उस तरह रखा था ताकि देखे ना, फिर भी देख ली जबरदस्ती, पकड़े रखा तो देखने नहीं दिया। मैं इसीलिए आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाहती थी क्योंकि मैं इनको 7 साल से, क्या उसके पहले के भी 2 साल से जानती हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है कि कोई अगर मूवी ऐसी होती है ना जिसमें कोई इमोशनल शॉट हो या कुछ ऐसा हो या घर में भी कोई इमोशनल चीज़ हो जाती है ना, तो इनको रोना बहुत जल्दी आता है। मतलब मैं नहीं रोती पर ये रो देते, तो मुझको ये फील हुआ कि ये ज़रूर रोएंगे इस पे। मैंने मुड़ने की कोशिश की, भाई साहब ने मेरी मुंडी पकड़ ली है और मैं समझ गई मतलब ये रो रहे, और इतने में आ गया मूवी में ऐड और मेरी मुंडी बोल के छोड़ते, अब अच्छा हुआ ऐड आ गया। बताओ देखो कैसा करते हैं, अगर ऐड नहीं आता तो बहुत बेहतर था, इसलिए मैंने फटाफट से अच्छा हुआ ऐड आ गया और हो जाता है। मेरे को आदत है, इनको आ रहा है, इनको बह रहा है, इनको पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई बच्चा, अगर कोई बच्चे को भी देखता हूँ ना सिग्नल पे, छोटे बच्चे को या कुछ भी मम्मी बच्चे को, कोई औरत को भी देखता हूँ ना ऐसे हालत में, तो मुझे अंदर से बहुत अजीब लगता है। काश अल्लाह मुझे थोड़ा देता कि मैं उन लोगों को हेल्प कर सकूँ, भले पूरी नहीं पर थोड़ी तो करूँ, अभी भी करता हूँ, पर 150 में क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो है, बट इमोशनली अत्याचार इनके साथ बहुत है, सही में क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। देखिए अभी ऐड आ रहा है, अभी पिक्चर वापस चालू होगी, आ गया सीन बाकी है। हाँ ये भी और दिखाएगी तुम लोग को। काश शायद ऐसा हो जाए कि कुछ ऐसे शॉर्ट में ना ऐसा रोने वाला मुंह ऐसा दिखाने मिल जाए, तब मजा आएगा यार, ऐसे थोड़ी मजा आता है। तो दिखाती हूँ आपको फिर थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ा एक हाथ पकड़ लूँ जरा इनका इमोशन, कहीं ऐसा पकड़ लूँ ना, तो जो इनका आ रहा है और जो बह रहा है ना उसको हम रोक देंगे, है कि नहीं, उसको दिखा लेंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, क्या बोलते हो? आ जाता है भाई, बस मुझे तो आता है, चाहे वो कितनी भी सैड मूवी हो, कितनी अच्छी मूवी, अगर थोड़ा भी इमोशनल सीन आ गया ना, बस मुझे आ जाता है। आ रहे तो करके आओ ना जाके, रोक के नहीं रखने का। आई मिस यू माय मॉम, यू मैंने मिस योर मॉम, या आई मिस माय मॉम, आई आल्सो मिस माय सासू मॉम, आई लव देम। तो आ रहा है तो जाओ करके आ जाओ और धो भी लेना। नहीं सूखा दिखाती हूँ बाद में तो मेरा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है, कौन सा? कोरे कोरे सपने मेरे चाहेंगे तुमको, जीवन से ज्यादा है वादा, है वादा। ये मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगती है, चाहे कितनी बार भी देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं। अभी भी देखो चालू है, सीन थोड़ा सा चल रहा है, पर दिखेगा नहीं, हम लोग का टीवी बराबर नहीं है, हम लोग देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, पर आप लोग को नहीं दिखेगा। तो हम लोग बस देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ा अंधेरा है क्योंकि लाइट उधर है, बस थोड़ी सी लाइट लाना है मुझे, दो LED लाइट आती ना एक यहाँ लगाना है बस, ताकि वीडियोज़ के लिए अच्छी क्वालिटी आए। LED लाइट ले लूँगा थोड़े दिन में, और भाभी देखो लेटी है, लेट के हम इंजॉय करें मूवी। और आपके भाई थूकते बहुत हैं क्योंकि अभी मेरे मुंह पे 2 थूक की 2 बूंदे आई, तो बस कैसा भी करके मैं सोच रही हूँ इनको मास्क लगा के बिठा दूँ, क्योंकि जो इनकी बारिश हो रही है मुंह से निकल के सीधा डायरेक्ट मेरे मुंह पे आ रही है ना, इसीलिए मतलब इतनी गर्मी में भी बारिश का मजा, क्योंकि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, बारिश की जाए। नहीं नहीं वो बारिश अलग है, ये वाली बारिश मुझे नहीं चाहिए, पिंपल आने वाली, तो वो बारिश चलेगी, ये बारिश वो पिंपल नहीं, नहीं पगली, मेरा प्यार है प्यार, देखो क्या देखूं, दिखाओ तो देखूं, पिंपल नहीं प्यार दिखाओ।
और कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो आगे देखते हैं यार, चलो। हाँ, गाना सुन ले जब तक, चलो बाय। ये मुझे बोलते हैं कुछ बोलो कुछ बोलो, कुछ सोचो, अब बताओ मैं क्या सोचूं, मतलब व्लॉग वगैरह के लिए क्या सोचूं बताओ। ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सोचूं पर क्या सोचूं, तो सोच के फिर मैं सोचूंगी कि मुझे क्या सोचना है, फिर वो सोच करके फिर मैं कुछ सोच के कुछ ज़रूर करूंगी, ये पक्का है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोग सोच के कि मुझे सोचना क्या है। ये इतना सोच रही है कि सोच भी सोचना पड़ जाएगा, क्या सोच रही है? सोचने पड़ जाएगा क्या सोच रही है, मैं सोच में नहीं पड़ेगा, वो मैं सोच लूंगी। ये बोलिए थोड़ी, वो पता चल रहा है। मुझे कहते हैं आवाज में बोलो तुम बहुत स्लो। मैं आवाज में बोलूं क्या? कहते हैं मैं बहुत स्लो बोलती हूं। एक्चुअली जो मैं फोन से रिकॉर्डिंग करता हूं ना, मेरे फोन से, मेरे फोन में आवाज बहुत कम आती है, इतना चिल्ला के बोल रहा है। तुम्हारा फोन ही सड़ेला है। अच्छा अच्छा, क्या फोन ही सड़ेला है तुम्हारा? कभी कभार तो मेरा मन पता नहीं क्या होता है फोन को देख के, मतलब अब इससे ज्यादा कितनी आवाज में बोलूं बताओ। मेरा पूरा हाथ कट गया, काम करते करते नाखून भी निकल लग गया, नाखून पे। हाँ, ये हाथ कट गया। हाँ, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, दिख रहा है सब चमड़ी निकली है। हाँ। पूरा कट गया आज, बहुत जोर से आज घसाई करने में। हाँ। और फिर क्या, चुभ भी गया था ना? खिलने लग गया था, खून निकला बहुत, ब्लड निकला, फिर उसको पोंछा, खून निकला, ब्लड निकला, दोनों एक ही होता है, मतलब मुझे लगा अलग अलग होता है। वाह, मतलब मैं सोचती थी पहले दोनों एक होता है, पर इन्होंने बताया खून निकला फिर ब्लड निकला इनका, तो पहले इन्होंने खून रोका फिर इन्होंने ब्लड रोका। तो आप लोग समझ रहे हो ना इनकी बात? आसिफा बोलती है फेंगड़ी। मैं फेंगड़ी बोलती नहीं हूँ, मैं बोलती हूँ फेंगड़ा, समझे? मैं बोलती हूँ जानू फेंगड़ा, ऐसा बोलती हूँ मैं, ये नहीं बोलती मैं क्या बोलती हूँ। आज मेरा बच्चा वो जल्दी सो गया है, आज उसको कार्टून लगा के नहीं दिया ना, तो आज वो जल्दी सो गया। आज हम लोग देख रहे थे सूर्यवंशम मूवी, तो इस वजह से वो सो गया, क्योंकि उसे देखना नहीं पसंद पिक्चर वगैरह। हाँ, नहीं तो वो 12 बजे तक, ये देखो ये आ गई बाप की बेटी, ये आ गई अपने बाप की बेटी। पाप, इसकी अलग से आवाज नहीं निकलती, पता नहीं क्यों, थोड़ी आवाज स्लो है इसकी, उसका वॉल्यूम डन है, जिसको उसका बॉयफ्रेंड मिल जाएगा ना तब इसकी आवाज बढ़ जाएगी। मैं बताती हूँ, मुझे छोड़ के बाकी सफीक भाई की जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज है ना, चाहे इनका फोन हो चाहे इनकी पाली हुई बिल्ली हो, सबकी आवाज कम है, मतलब मतलब फोन की आवाज कम, कितना भी बोल लो, बिल्ली की जो पाले उसकी आवाज कम। ये देखो बहुत बोलती है ना फेंगड़ी। ये बन रहे चिंपैंजी। ये मैंने इनसे शादी किया था ना, मैंने शादी से पहले ही लोगों को बोला था कि मतलब मैं ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो चिंपैंजी जैसा दिखता हो, जो चिंपैंजी की आखिरी नस्ल हो। तो फाइनली किस्मत से मुझे ये मिल गए, तो मैंने नस्ल, बोलते हैं ना नस्ल ख़त्म हो गई चिंपैंजी की, कम बची है या जो भी, नहीं, उसमें से एक मेरे पास भी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। पर मैं ध्यान बहुत अच्छे से रखती हूँ, कभी कभार ये बंदर नोचता भी है, काटता भी है गुस्से में, ऐसा चिल्लाता तो भी है, मूवमेंट पे डिपेंड होता है। मतलब ये मानते हैं कि ये हैं, तो देखा मैंने आप लोगों को असलियत बता दी, ठीक है? दांत है तो काटूंगा, नाखून है तो नोचूंगा। अच्छा हाँ। अच्छा भाई, इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं दांत के बल जमीन पे चलूंगा। दांत है तो फिर आप ऐसा ऐसा करके खुद का फिर जो भी निकाल के खाते होगे कभी कभार। ठंडा पानी पी लेना, गला गला बहुत दुख रहा है। अच्छा, गरम पानी पी लो। अब लाना पड़ेगा मेरे को डैडी। वो क्या होता है? गोली, मेरी गोली, मैं गला दर्द की कम होने की गोली। और डैडी नहीं मिलेगा तो अपने डैडी को बुला लीजिएगा। तो वो आपका इलाज कर देंगे, है कि नहीं? क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ माँ बाप की दुआ काम आती है, ये बात तो है, ये तो सच बात है। तो जेडी नहीं मिलेगा तो डैडी को जरूर बुलाइएगा। देखो कैसी कैसी हरकतें कर रही है, देखो इसका मुंह बना रहा हूं, इसका मुंह ऐसे, मेरा मुंह नहीं है, आप खुद का मुंह बिगाड़ रहे हो। और इनके आंग में ना कभी कभार, वो आप लोगों ने जुनून मूवी देखी होगी, उसके अंदर कैसा हीरो बंदर भालू बन जाता है, वो आत्मा आती है इनमें कभी कभी, तो ये ऐसी हरकतें करने लगते हैं बैठे बैठे। कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए तो रोज का है, पर आप लोगों को दिखाना जरूरी है। हाँ, इसलिए आज का व्लॉग यही है कि खूनी मुर्दा, इसको कुछ याद आया तो ये सब ऐसा बना रही है। नहीं नहीं, खूंखार जानवर है ये खूंखार जानवर है ये। हाँ हाँ, तो
फाइनली हमारी मूवी ख़त्म होने आई है और मैं आपके भाई का ऐसा कोई मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाई कि वो फिर रोए धोएं। ये बहुत चैप्टर है, इनको पता है ना वीडियो बन रहा, अच्छा एक मौका मिला था पर इन्होंने करने नहीं दिया मुझे वो चीज़, तो नहीं तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। बट बहुत मज़ा आया हम लोगों को बहुत कम टाइम ऐसा मिलता है कभी कभार के जब हम लोग दोनों साथ में ऐसा मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कभी टीवी में कभी फ़ोन में लगा करके, क्योंकि ये थक के आते हैं तो ये थोड़ा बाहर चले जाते हैं टहलने के लिए। मैं घर में खाना वाना गर्म करने में या बनाने में कुछ करने में लगी होती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चा अपना देखता रहता है तो उसमें टाइम हम लोग का कब गुजरता है पता नहीं चलता। फिर रात को 12 बजे से 1 बजे तक हम लोग दोनों हंसी मजाक मस्ती हमारी चलती है, उस बीच कभी कभार इंस्टाग्राम चला लेते हैं, लाइव कर लेते हैं। तो आज तो मैंने फ़ोन भी नहीं चलाया, जब से आया फ़ोन रख के पिक्चर ही देख रहा हूँ, क्योंकि पिक्चर मुझे इंटरेस्ट आ गया था और जिसमें मैं जो पिक्चर मुझे अच्छी लगती है तो मैं देखता हूँ, चाहे फिर बाद में फ़ोन नहीं देखता। हाँ। तो पढ़ाई अभी तक फोन मतलब यही है, वीडियो बन रहा है, यहाँ पढ़ाई मेरे हाथ में यहाँ वहाँ ढूंढ रहे, यहाँ वहाँ नहीं है तो मेरे हाथ में तो, लेकिन अच्छा लगता है मुझे भी इनके साथ में मूवी देखना ना, मुझे बहुत पसंद है पर बहुत ही कम टाइम मिलता है, नहीं मिल पाता है मौका। लोगों को ऐसा लगता है दिन भर क्या करते हैं क्या नहीं, बोले जो टाइम नहीं मिलता है, इंशाल्लाह वो भी हम कभी ज़रूर बताएंगे कि हम दिन भर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश है जानने की, मैंने देखा पढ़ा कमेंट में कि फ्राइडे के दिन का व्लॉग डालो, फ्राइडे के दिन का बताओ, तो आज के लिए सॉरी कि मैं आज का मतलब हम लोग डाल नहीं पाए क्योंकि ये तो जॉब पे होते हैं ना, सुबह सुबह चले आते हैं काम पे अब्बा के साथ में, तो कैसे निकालेंगे करेंगे ये खुद का बता सकते हैं। मैं थोड़ा काम के चक्कर में कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ और ये मुझे उठाते नहीं है, चुपचाप वहीं भूखे निकल जाते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। नहीं तो मुझे ऐसा करना पड़ता है अलार्म लगाऊं, कभी कभार अलार्म की वजह से भी नींद नहीं खुलती, कभी तबीयत ख़राब रहती है, 3-4 बजे तक जाग गई सो नहीं पाई, कुछ ऐसा हो गया। नहीं तो सुबह उठती हूँ तो इनको अलग अलग नाश्ता, कभी अंडा पाव हो गया, कभी पराठा चाय हो गया, कभी आलू का पराठा बना दिया, कभी कुछ कर दिया, सुबह कुछ ना कुछ मतलब कुछ डिफरेंट होता है, इसीलिए कभी कभार मुझे पता होता है कि ये सुबह नहीं उठाएंगे अगर आज मेरी तबीयत ख़राब है तो। मैं रात को खाना भाजी ऐसा ज़्यादा रखती हूँ कि सुबह अगर ये मुझे नहीं भी उठाए ना तो ये पाँव लेकर के या कुछ लेकर के खा करके पेट भर के चले जाएं, भूखे ना जाना पड़े इन्हें, ऐसा होता है तो। पर इनकी चर्बी बहुत है, बहुत टाइम खाते पीते नहीं है, बोलते हैं मन नहीं था तो नहीं खाया। परेशान नहीं करता हूँ क्योंकि इसके कभी कभी तबीयत खराब होती है, ये कभी लेट्स होती है, तो इसलिए मुझे उसको उठाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चुपचाप उठता हूँ, गाल पे पप्पी लेता हूँ और बोलता हूँ भाई जा रहा हूँ बस चले जाओ। बट वो टाइमिंग पे मुझे बहुत बुरा लगता है कि अरे यार मेरे पति ऐसी भूखे चले गए। बाहर जाता हूँ कभी कभी नागौरी की चाय पी लेता हूँ या तो फिर इडली मेंदूवड़ा कभी कभी खा लेता हूँ, वरना मेरे अब्बा के यहाँ जाके चाय आए तो पी लेता हूँ बस। और मैं ध्यान रखती हूँ 11-12 बजे मैं फोन करके कुछ खाए के नहीं, जब कहते हैं खाली चाय पिया हूँ तो मुझे गुस्सा बहुत आता है, और जब कहते हैं हाँ नहीं मैंने ये खाया वो खाया तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि हाँ चलो एटलीस्ट कुछ खा करके काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्क करते हैं वो बहुत हार्ड है तो उसमें खाली पेट काम करना आसान नहीं होता, चक्कर आने लग जाती है। और मुझे तो 10-10 मिनट में भूख लगती है काम कर रहे हैं, ये तो बहुत भुक्कड़ है तो, बट मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ, बहुत नसीब वाली हूँ कि ऐसा काला पीला इतना प्यारा पति मिला है मुझे क्योंकि सही बात है यार, इतने फ्री माइंड है ना कोई हस्बैंड नहीं होता है, बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, होते हैं बहुत सारे होते हैं, बट मेरी नसीब में आया मैं उसके लिए खुश हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं तो उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने मेरा हाथ थमाए, चले जाओ यहाँ से मैं चली जाऊंगी तो पता नहीं आपका क्या होगा, हो जाओ यहाँ से, भानु प्रताप किसी का मुंह नहीं देखेगा। हाँ सुन लिया, देखिए अभी इनको भानु प्रताप का भूत चढ़ा है तो इनका भूत अभी चढ़ेगा, भूला भूला हाँ, थोड़ी देर इनका चढ़ा रहेगा सबो, यार उसे सबो, यहाँ पे फक फक खुलते हैं द्वारा, इधर खुलते दो द्वारा, उधर खुलते दो द्वारा, पता नहीं क्या फक फक कौन से द्वारा खोल रही है तो वो छोड़ो इनका तो फिर चलिए अल्लाह हाफिज कहते हैं। बहुत पका लिया आज आप लोगों को हमने, है कि नहीं, ये थोड़ा सा ऐसी रूटीन, छोटा सा रूटीन हमारी, छोटी सी मोमेंट्स थे जो हम साथ में कभी कभार निकालते हैं। मैं रोने लगा ना तो बोलती लाओ तुम्हारा ये मोमेंट थोड़ा शेयर करती हूँ, सब में बताती हूँ कि हम हमारा मोमेंट थोड़ा आपको लोगों को शेयर करती हूँ, ठीक है। रोना ऐसा नहीं, मुझे नहीं रोना आता है, बट ये पिक्चर मैंने ना 150-250 बार देख चुकी हूँ तो अब मुझे रोना नहीं आता है, मुझे मोमेंट सब याद है कि यहाँ ये होने वाला है वहाँ वो होने वाला है। कोई न्यू मूवी होगी ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट होगा ना तो रोना आता है, पर रोती नहीं हूँ मैं, आंसू निकलता नहीं है मेरा, अंदर ही अंदर पी जाती हूँ,
तो खाली नाक बहती है मेरी, तो ये समझ जाते हैं, समझते कि नहीं मुझे पता नहीं ये, लेकिन कभी बोलते नहीं है, बट मैं इनका पकड़ लेती हूँ, इनके रोने से पहला मुझे पता चल जाता है ये मोमेंट आया, अब ये रोने वाले हैं। मैं पहले इनका मुंह देखने के लिए देखती हूँ इनकी तरह, ऐसा बोलते हैं, ऐसा आप करेंगे, नहीं रो रहा हूँ, देखो देखो नहीं रो रहा हूँ, ऐसा करते हैं ये, तो मुझे बहुत हंसी आती है उस टाइमिंग पे, मैं बोलती हूँ तुम पिक्चर देखो मैं तुम्हें देखूंगी ताकि मुझे पता चले कि रो रहे हो कि नहीं रो रहे हो, ऐसे मोमेंट्स पे मैं अक्सर ये हरकत करती हूँ बैठे बैठे, मुझे बहुत पसंद है ये करना इनके साथ में, बड़ा मजा आता है इनको छेड़ने, और देखो कैसी हरकतें कर रहे, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई मासूम इंसान हो, पर बहुत चर्बी है, चूल बहुत है इनमें, देखे स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तुमने चुराया मेरे दिल का चैन, इनके स्पाइडरमैन की मुंडी कहीं पहले चली गई, ये क्या मुंडी वो लगी मेरे पास, नहीं तुम्हारी छोड़ो ना, वो स्पाइडरमैन की, हाँ अब लग रहे हो जोरदार, हाँ अब लग रहे हो, हाँ अब लग रहे हो स्पाइडरमैन, बस लग गए, बस अभी रुको, रात को तुम्हारे हाथों से जाला निकलेगा देखना, अच्छा वो कुछ और उंगली नहीं दिखाई इन्होंने, ऐसा दिखाया तो अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं अभी लास्ट का शॉट चालू है देखूँगी, और मैं बंद कर रही हूँ अभी आज का व्लॉग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल चीज़ें शेयर करके बड़ा मज़ा और आया, आप लोग सजेशन दो कि हमें किस टाइप की व्लॉग आपको चाहिए, और भी व्लॉग अच्छे अच्छे ये हैं आपके लिए आया है, तीन चार आपके लिए आया है, आप पढ़ोगे कमेंट में पता चलेगा, तो फिर जल्दी जल्दी लाइक करो, फ्राइडे व्लॉग आया है, फैमिली रूटीन व्लॉग आया है, डेली रूटीन व्लॉग भी आया है, छुट्टी नहीं मिली ना, जल्दी छुट्टी मिलेगी तो आ जाएगा कमेंट में, तो इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी, मैं फैमिली वालों से भी मिलाऊंगी, और सब अलग अलग क्यों रहते हैं वो वजह भी बताऊंगी, सब बताऊंगी, अच्छा लगेगा बता करके, और हम लोग मिलते हैं कि नहीं फैमिली वाले सबके सब, वो भी आप लोगों को बताऊंगी, तो इंजॉय होएगा, ज़रूर देखिएगा बाकी के व्लॉग्स देखिएगा, और यूं ही अपना प्यार देते रहिए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना हमारे यूट्यूब चैनल को, क्या है शफीक आसिफा, ठीक है, और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए और यूं ही सपोर्ट देते रहिए, और वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, मिलना है वापस।